りません。お前は俺に殺されるべきなんだ。दोस्तों, फ्रीजा की एंट्री हो चुकी है और कोई ऐसी वैसी एंट्री नहीं, सबसे ज्यादा धमाकेदार एंट्री है। पूरा का पूरा कहानी पलट दिया है फ्रीजा ने और इस बोरिंग आर्क को भी खत्म कर दिया है फ्रीजा ने। सबसे शॉकिंग न्यूज ये है कि फ्रीजा वापस आ चुका है एक नए फॉर्म के साथ जिसका नाम है ब्लैक फ्रीजा। और फिलहाल फ्रीजा है सही मायने में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। चैप्टर 87 दो दिन में आ रहा है, इसलिए मैं पूरी कहानी बताने नहीं वाला हूँ कि एलेक और गैस के साथ क्या हुआ, लेकिन इतना बता देता हूँ कि फ्रीजा के पर्सपेक्टिव से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा ये सुन के कि कोई स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जब जब स्ट्रिलन ड्रैगन बॉल से ये विश की गई ना कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना दो यूनिवर्स का, मेरी जिंदगी ले लो, मेरी आधी जिंदगी ले लो, मेरा इतना कर दो, लाइफ फोर्स के बदले में मुझे ताकतवर बना दो, जब जब भी ये विशेष मांगी जा रही थी, तब तब फ्रीजा इस यूनिवर्स में था ही नहीं। फ्रीजा को किसी एक अनजान प्लेनेट में एक हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर जैसा कमरा मिल गया था, जिसके अंदर जाके उसे पता चला कि भाई अगर इसके अंदर मैं चला गया, कुछ वक्त रुक जाऊं, एक साल रुक जाऊं, तो असल दुनिया में टाइम बहुत कम ही बीतेगा। अब जो ये वाला हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर है, इसके क्या रूल्स हैं टाइम को लेके कि भाई कितने दिन में कितना होगा, कितना वेरिएशन होगा अंदर और बाहर के टाइम्स में, ये सब रूल्स वाली इन्फॉर्मेशन तो अभी नहीं पता है। लेकिन फ्रीजा इस कमरे के अंदर 10 साल तक ट्रेनिंग करके आया है भाइयों, 10 साल तक। और 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब फ्रीजा के सामने अल्ट्रा ईगो वेजिटा और अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू दूध पीते बच्चे हैं। फ्रीजा अपनी न्यू फॉर्म में दोनों अल्ट्रा ईगो वेजिटा और अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को पीट डालता है और बताता है कि ये है उसका नया फॉर्म जिसे उसने नाम दिया है ब्लैक फ्रीजा। तो सबसे पहले तो यार आप सब लोग कमेंट्स में बताओ कि क्या आपने इमेजिन किया था कि फ्रीजा की एंट्री इस तरह होगी। मुझे पता तो था कि फ्रीजा बहुत जल्द आएगा क्योंकि कहानी पूरी की पूरी उसके ही अराउंड रिवॉल्व कर रही है शुरुआत से। और ये बात मैं पिछली कई वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि फ्रीजा कब आएगा, उसकी एंट्री कब होगी, किस तरीके से होगी, एलेक के साथ कहीं वो टीम अप तो नहीं कर लेगा, एलेक कहीं फ्रीजा का इस्तेमाल तो नहीं करेगा। बट सीरियसली भाइयों, फ्रीजा की एंट्री बहुत ज्यादा शॉकिंग है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास अब एक नया फॉर्म है, बल्कि इसलिए भी कि अब गैस, ग्रेनोला, गोकू, वेजिटा सब कुछ इसके सामने कमजोर है। और गैस का तो मैं भाई क्या ही बताऊं आप लोगों को, गैस का इतना खतरनाक वाला राम नाम सत्य किया है ना फ्रीजा ने भाई, मतलब आज तक ऐसा सीन पूरे ड्रैगन बॉल में कभी भी नहीं हुआ है जो सीन फ्रीजा ने चैप्टर 87 में करके दिखा दिया। 20 अगस्त को रात को ये चैप्टर रिलीज हो जाएगा और सुबह 21 अगस्त संडे को ये चैप्टर मैं अपलोड कर दूंगा, प्लीज उसे देखना मत भूलना। इस आर्क का लास्ट चैप्टर होगा ये, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत अच्छे से एंड किया जा रहा है इस आर्क को और फैंस को इसी की जरूरत थी, क्योंकि अभी तक पूरी की पूरी कहानी बोरिंग ही चल रही थी। एटलीस्ट एंडिंग को तो यार इतना एंगेजिंग होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ भाई कुछ तो तगड़ा हुआ है और इसमें टोयोटारो ने कमाल कर दिया है। और इस अगस्त वाले चैप्टर 87 के बाद सितंबर में कोई भी मांगा चैप्टर नहीं आएगा, डायरेक्ट अक्टूबर में आएगा। एक मंथ का यहाँ पर गैप होगा इस वाली आर्क को खत्म करने के बाद। शायद से ये लोग नई आर्क में कुछ स्पेशल करने वाले हैं, तो एज अ क्रिएटर मैं तो सीरियसली चाहूंगा कि जो नई कहानी है उसमें बहुत कुछ नए प्लॉट्स हों, दूसरे कैरेक्टर को भी स्क्रीन टाइम मिले और जिन फाइट्स के लिए ड्रैगन बॉल जाना जाता है वो फाइट्स हमें देखने को मिले कहानी में। जो लोग कहते हैं कि ड्रैगन बॉल अब खत्म हो चुका है, इसकी कहानी में, इसकी वर्ल्ड में अब कुछ भी नहीं बचा है, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि ड्रैगन बॉल की दुनिया में अभी भी बहुत से प्लॉट्स ऐसे हैं जिन पे अगर सोच समझ के अच्छे से हैंडल किया जाए तो ड्रैगन बॉल का जो ये फैन बेस है, इसमें जो थोड़ा सा वाइब्रेशन कम हो गया है ना टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क और मोरो आर्क के बाद, वो वापस से लौट आएगा। रही बात फ्रीजा की, तो भाई कमाल ही कर दिया है बंदे ने। और पिछली बार फ्रीजा ने बस 2-3 मंथ्स की ट्रेनिंग करके एक नया गोल्डन फॉर्म लेके आया था जो कि लगभग थोड़ा सा बराबर था ब्लू फॉर्म के, लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर होते होते तक वो बराबर हो गया था, एग्जैक्ट सेम लेवल पर हो गया था सुपर सेंट ब्लू के। तो 2-3 महीने की ट्रेनिंग में अगर फ्रीजा इतना बड़ा पावर गैप क्रिएट कर सकता है तो जस्ट इमेजिन 10 सालों की ट्रेनिंग में फ्रीजा ने कितना ज्यादा पावर गैप यहाँ पर पाया होगा। रफ एस्टिमेशन अगर मैं लगाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, तो पिछली बार 2-3 महीने की ट्रेनिंग में सुपर सैयन का जो लेवल था फ्रीजा का, जो व्हाइट वाला फॉर्म था जो उसका, सुपर सैयन के लेवल से वो पहुंच गया था गोल्डन फॉर्म के लेवल तक, यानी गोल्डन फॉर्म यानी सुपर सैयन ब्लू के बराबर का, यानी कि जो ये पूरा का पूरा जो फ्रीजा ने पावर अप किया था ये बस 2-3 महीने की ट्रेनिंग में किया था। और एक साल में फ्रीजा ऐसी ही ट्रेनिंग 4 बार कर सकता है और 10 साल में ऐसी ही ट्रेनिंग फ्रीजा 40 बार कर सकता है, यानी कि
दोस्तों जो पावर गैप फ्रीजा ने रिजरेक्शन ऑफ एफ वाली मूवी में क्रिएट किया था, इस बार फ्रीजा ने वही पावर गैप क्रिएट किया है, लेकिन वो भी 40 टाइम्स ज्यादा। अब आप खुद आइडिया लगाओ दोस्तों कि कहां पर गोकू का सुपर सैयन फॉर्म है और कहां पर सुपर सैयन ब्लू फॉर्म है, कहां पर फ्रीजा का बेस फॉर्म है व्हाइट वाला और कहां पर गोल्डन फॉर्म है। जितना स्ट्रॉन्ग फ्रीजा रिजरेक्शन ऑफ एफ मूवी में हुआ था, उसका 40 टाइम्स स्ट्रॉन्ग फ्रीजा अब हो गया है। और ये तो रफ एस्टिमेशन है दोस्तों कि एक साल में 4 बार ट्रेनिंग की होगी फ्रीजा ने, उसी तरह 10 साल में 40 बार के बराबर की ट्रेनिंग कर दी होगी। लेकिन एक और पॉइंट है जिसको हमको ऐड करना चाहिए और वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ साथ एफिशिएंसी भी बढ़ती है। मतलब कि सपोज करो पहले साल में जो ट्रेनिंग करने के लिए फ्रीजा को 12 महीने लगे होंगे ना, मे बी वही सेम ट्रेनिंग वही सेम मेहनत फ्रीजा ने अगले साल में बस 10 मंथ्स में कर ली होगी, उसके अगले महीने में वही सेम मेहनत फ्रीजा ने सिर्फ 6 मंथ्स में कर ली होगी, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ साथ बंदा इंप्रूव भी तो करता जाएगा ना। 40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये कम से कम 60-70 या इवन 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है फ्रीजा अभी। तो सीरियसली भाइयों, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है फ्रीजा की नई फॉर्म देखकर। आप भी कमेंट्स में बताइए कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं नए फॉर्म के लिए, नई कहानी के लिए, और सबसे ज्यादा अपनी एक्साइटमेंट मुझे बताइए ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी हिंदी डब में हमारे साथ एक साथ पीवीआर थिएटर्स में देखने के लिए। बहुत जल्द मैं मीटअप की जो डेट्स हैं, जो लोकेशन है, वो सारी अनाउंसमेंट भी कर दूंगा चैनल पे। तो बने रहो दोस्तों मेरे साथ और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। 21 अगस्त को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं मिलूंगा आप सबको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।